और अब बात करते हैं अंबेडकर जयंती की। लोकसभा चुनाव से एक साल पहले पार्टियों का दलित प्रेम जाग उठा है। बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती के मौके पर उनकी जन्मस्थली महू में नेताओं की लाइन सी लगी रही। पूरे साल जिस गांव में वीरानी रहती थी, अचानक एक दिन वहां मेले जैसा माहौल बन गया। दिल्ली से लेकर बिहार तक पार्टियों का दलित प्रेम किस तरह चरम पर दिखाई दिया, पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। चौदह अप्रैल संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती, भारत के इतिहास का बहुत खास दिन। लेकिन ये खास दिन पार्टियों के लिए उत्सव से कम नहीं था। यूपी की सियासत करने वाले अखिलेश यादव मध्य प्रदेश के महू में थे, यानी बाबा साहब की जन्मस्थली पर। महू में बाबा साहब को माल्यार्पण करने के लिए नेताओं की लाइन लगी रही। कमलनाथ भी और मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी दलित नेता मायावती यूपी से बैठकर ही श्रद्धांजलि दे रही थी। बिहार में जेडीयू और आरजेडी ने मिलकर मुहिम की शुरुआत कर दी। बिहार में एससी और एसटी वर्ग के लोगों को ये बताया जा रहा था कि उनका संवैधानिक अधिकार खतरे में है। पहली बार ऐसा हुआ कि पूरे देश में अंबेडकर जयंती को मोदी सरकार ने सरकारी छुट्टी के तौर पर शामिल कर दिया और पूरे देश के सरकारी दफ्तरों में छुट्टी रही। सोनिया गांधी ने लंबा चौड़ा आर्टिकल लिखकर बाबा साहब के बहाने मोदी सरकार पर निशाना साधा। अंबेडकर के बहाने पूरी कांग्रेस मोदी सरकार पर हमला बोल रही है, यानी अंबेडकर हर किसी के लिए जरूरत बन चुके हैं। बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने वाली पार्टियां दरअसल ये चेक कर रही हैं कि उनके पीछे दलित पावर कितना और किस रूप में खड़ा है। साल 2015 से ही मोदी सरकार हर साल बाबा साहब अंबेडकर की जयंती के मौके को सामाजिक न्याय पखवाड़ा के तौर पर मनाती थी। इस बार अंबेडकर जयंती को खास बनाने के लिए पीएम मोदी के कहने पर बीजेपी ने घर घर जोड़ो अभियान की शुरुआत की। 14 अप्रैल का आज का दिन देश के 125 करोड़ लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती है। आज के दिन आप सभी के बीच आकर आशीर्वाद लेने का अवसर मिलना मेरे लिए ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। कांग्रेस बाबा साहब की जयंती के बहाने पीएम मोदी और सरकार पर हमला बोल रही है। सोनिया गांधी ने एक लंबे चौड़े आर्टिकल में लिखा कि सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा और कई संवैधानिक संस्थाओं को नष्ट करने की कोशिश भी की जा रही है। हम बाबा साहब की विरासत का भरपूर सम्मान करते हैं, साथ ही हमें बाबा साहब की उस चेतावनी को भी नहीं भूलना चाहिए जिसमें उन्होंने कहा था कि किसी भी संविधान की कामयाबी उन लोगों के व्यवहार पर टिकी होती है जिन्हें सरकार चलाने की जिम्मेदारी मिली है। इधर अखिलेश यादव 2 दिन से यूपी छोड़कर मध्य प्रदेश के महू में डेरा डाले हुए हैं, जिससे उनका दलित प्रेम उत्तर प्रदेश में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। अखिलेश महू में अकेले नहीं गए, बल्कि उत्तर प्रदेश में दलित सियासत करने वाले चंद्रशेखर रावण भी उनके साथ बाबा साहब की जन्मस्थली पर गए। हर पार्टी के पास दलितों को लेकर अपना अलग अलग प्लान है, अखिलेश के पास भी है और पिछले 1 साल से वो अग्रेसिव होकर दलितों को अपनी पार्टी से जोड़ने में लगे हैं। सबूत नंबर 1, 31 मार्च की ये तस्वीर बहुत बड़ी कहानी कहती है। अखिलेश यादव काशीराम की प्रतिमा का अनावरण कर रहे थे। लोहिया के नाम पर सियासत और सियासी विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले अब काशीराम के नाम के सहारे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। 2012 से अखिलेश यादव एक्टिव हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि काशीराम के प्रति अखिलेश यादव का इतना झुकाव बढ़ा है। समाजवादी पार्टी ने अब तो लोहिया वाहिनी और युवा वाहिनी की तरह बाबा साहब वाहिनी का भी गठन किया है। बाबा साहब वाहिनी के हर कार्यक्रम के मंच पर बाबा साहब अंबेडकर के साथ काशीराम की तस्वीर लगाई जा रही है। सबूत नंबर 3, अखिलेश ने हाल के दिनों में अंबेडकर विचारधारा से उपजे नेताओं को पार्टी में तरजीह देना शुरू कर दिया। इसे और अच्छे से समझना है तो स्वामी प्रसाद मौर्य को ले लीजिए, जो खुद एक दलित नेता है। जब ब्राह्मणों और रामचरितमानस के खिलाफ बोलते हैं तो अखिलेश यादव उन्हें करेक्ट करने की जगह उल्टा उनका समर्थन करते हैं। काशीराम विचारधारा से उपजे नेता है स्वामी प्रसाद मौर्य। इसके अलावा इंद्रजीत सरोज, रामचल राजभर, आरके चौधरी, लालजी वर्मा, त्रिभुवन दत्त, डॉक्टर महेश वर्मा जैसे पुराने बीएसपी के नेता अखिलेश के साथ हैं। उत्तर प्रदेश में दलित पॉलिटिक्स की अहमियत लोगों को तब समझ में आई जब काशीराम ने इसकी शुरुआत की और मायावती को 1-2 बार नहीं बल्कि दलित फॉर्मूले पर चलते हुए 4 बार मुख्यमंत्री बनवा दिया। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आजकल अंबेडकर शरणम गच्छामि की लाइन लगी है। मायावती की नेतृत्व क्षमता पर भले प्रश्न उठ रहे हों, बसपा का वोट फीसद भले घट रहा हो, लेकिन अभी भी दलितों का अधिसंख्य मत
मायावती के साथ रहता है ये स्थापित सत्य है, इसको झूठ नहीं कहा जा सकता। भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के बाद दलित मतों में थोड़ी सेंध लगाई है। अखिलेश यादव ने 2019 में समझौता किया, अब वो पूरी तरीके से अंबेडकर जी के प्रति भक्तिभाव से लगे हुए हैं, लेकिन इसका फायदा उन्हें भविष्य में मिलेगा इसमें शक है। अखिलेश यादव को दलित वोट बैंक की अहमियत 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद समझ में आई। 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी साथ मिलकर चुनाव लड़े, लेकिन इसमें बहुजन समाज पार्टी फायदे में रही और अखिलेश यादव नुकसान में। 2019 में समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में सिर्फ 5 लोकसभा की सीटें मिली, इसके उलट बहुजन समाज पार्टी को 10 लोकसभा की सीटें मिली। जानकार बताते ये 2019 में दलित वोट मायावती को तो मिला, लेकिन जहां जहां अखिलेश के उम्मीदवार खड़े थे वहां दलित बीजेपी के साथ चले गए। चुनावी नतीजे बताते हैं कि बसपा सपा का गठबंधन न हुआ होता तो समाजवादी पार्टी को लोकसभा की 5 सीटें जीतने में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता। 2019 के चुनाव से ही अखिलेश यादव की नज़र बसपा के वोट बैंक पर है, लिहाजा अखिलेश यादव 2022 के विधानसभा चुनाव के पहले से ही बसपा के वो तमाम बड़े चेहरों को अपनी पार्टी में लाने की कवायद शुरू कर चुके थे। यादव, मुस्लिम और पिछड़ों की राजनीति करने वाले अखिलेश यादव अब अपने वोट बैंक में दलितों को भी जोड़ना चाहते हैं, जिससे बसपा का वोट बैंक 32% से बढ़कर 40% हो जाए। अखिलेश ने इसी फॉर्मूले को आजमाया 2022 के विधानसभा चुनाव में। मुस्लिम वोट बैंक गोलबंद होकर समाजवादी पार्टी के खाते में गया और कुछ दलित वोट बैंक में भी सेंधमारी करने में कामयाब रहे और इसका सीधा नुकसान बीएसपी को हुआ। यूपी में 300 विधानसभा सीटों पर दलित वोट बैंक निर्णायक भूमिका में। पूरे उत्तर प्रदेश में करीब 21% दलित वोट बैंक है, ये वोट जिधर जाता है उसकी जीत तय हो जाती है। 2007 में ये वोट बीएसपी के खाते में गया था, 2012 में समाजवादी पार्टी के खाते में और 2017 के बाद से बीजेपी के खाते में। उत्तर प्रदेश में दलित वोट बैंक दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक हिस्सा जाटों कहलाता है और दूसरे हिस्से में पासी, कोरी और वाल्मीकि समाज के लोग आते हैं। यूपी में सबसे मजबूत दलित वोट बैंक का हिस्सा जाटवों का है, करीब 12% जाटों खुले तौर पर बीएसपी के पक्के सपोर्टर माने जाते हैं, करीब 3.25% पासी, 3% वाल्मीकि, 1% धानुक, गोड़ और खटेक हैं। उत्तर प्रदेश की 47 लोकसभा सीटों पर मुस्लिम, यादव और दलित की आबादी 50% से भी अधिक है। 19% मुसलमान और 21% दलित आबादी को जोड़ दिया जाए तो वो वोट शेयर 40% से अधिक हो जाता है। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के इस फॉर्मूले में 2014 के लोकसभा चुनाव में ही सेंधमारी कर चुकी है। दरअसल देश का दलित अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर बीजेपी को वोट कर रहा है। अखिलेश यादव और मायावती को ये बात बखूबी पता है कि अगर दलित वोटों को बीजेपी से दूर नहीं किया गया तो आने वाले वक्त में बीजेपी को हराना नामुमकिन साबित होगा। बिहार में आरजेडी और जेडीयू दलित वोट बैंक में सेंधमारी करना चाहते हैं। इन दोनों पार्टियों को पता है कि अगर नीतीश कुमार का प्लान अपोजिशन एकता कामयाब रहा तो सबसे पहले बिहार में दलित वोट बैंक में सेंधमारी करनी होगी। रामविलास पासवान के जाने के बाद उस खद का कोई नेता बीजेपी के पास बिहार में नहीं बचा। चिराग पासवान अकेले हैं। पशुपति पारस के पास मास अपील की कमी है। हाल ही में जीतनराम मांझी को बीजेपी ने दिल्ली बुलाया था। जीतनराम मांझी बिहार में बड़े दलित चेहरे हो सकते थे, लेकिन बात नहीं बनी। इन दिनों बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी हर मन से कहते हैं कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री लवकुश या दलित समाज से होगा। खुद को सामाजिक न्याय के अगुआ कहने वाले लालू बीमार हैं। ऐसे में दलित वोट बैंक को साधने की जिम्मेदारी उठा ली है तेजस्वी यादव ने। बिहार में 16% दलित वोट बैंक है, जिसमें 6% हिस्से पर अकेले चिराग पासवान की पार्टी का कब्जा हुआ करता था, लेकिन पार्टी टूटी तो ये वोट बिखर गया। बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती के मौके पर बिहार के अलग अलग हिस्सों में पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों के बीच जेडीयू और तेजस्वी यादव अलग अलग तरीके से पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस कोशिश की शुरुआत सालों और महीनों पहले हुई थी। पहले नीतीश कुमार ने जाति आधारित जनगणना की शुरुआत करवाई और दलितों का फेवर जीता। मंत्रिमंडल में दलित कोटे के मंत्रियों की संख्या बढ़ाई गई। नीतीश कुमार कभी अपनी पार्टी के दलित चेहरे के तौर पर जीतनराम मांझी को मुख्यमंत्री बना चुके हैं, ये उनके फेवर में जाता है, लेकिन बाद में जीतनराम मांझी को हटाकर वो खुद मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गए। बीजेपी इसे अब तक दलित का अपमान बताती रही है। बिहार में दलित जो हैं वो वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किए जाते रहे हैं समय समय पर अलग अलग पार्टियों के द्वारा।
अभी जो बिहार की राजनीति है उसमें दलित नेता के तौर पर रामविलास पासवान के पुत्र हैं चिराग पासवान, जिनकी अपनी पार्टी है रामविलास लोजपा, इनके भाई पशुपति पारस हैं, उनका अपना एक प्रभाव है कि दलित चेहरे के तौर पर हम स्थापित हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनको जगह मिली हुई है। जीताराम मांझी जो बतौर बिहार के मुख्यमंत्री रहे, अब तो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका कहना है कि हमारे समाज के दलितों का वोट हमारे पक्ष में खड़ा होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी दलितों को हिंदू पोलराइजेशन से जोड़ करके लेकर के चलती है। बाबा साहब इस देश के लिए जरूरी हैं, देश के संविधान और लोकतंत्र के लिए उनके आदर्श जितने जरूरी हैं, उतना ही जरूरी पार्टियों के लिए भी बन चुके हैं। और बाबा साहब का नाम देकर दलित वोट हासिल करने का बहुत महीन खेल पार्टियां कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24।